कुरकुरे मोमो जो है 135 रुपीज़ का। इसके अंदर जो इसके अंदर फिलिंग है वो है चिकन का, एंड उसके ऊपर आप जो देख रहे हो ना ये जो क्रंच आप देख रहे हो ये आपको मिलेगा कुरकुरे का, देख सकते हो आप कुछ इस तरह का। इसका कॉम्बिनेशन आप देखो तो इसके अंदर आपको मिलेगा चिकन एंड एक अब इसके ऊपर आपको एक मोमोज भी देखने को मिलेगा, एक काइंड ऑफ आप एक सूप के फॉर्म में चॉकलेट मोमो। ये है 45 रुपीज़, काफ़ी क्रंची है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टाइल रांची में, और आज मैं कवर कर रहा हूँ डंपिंग मोमोज, वन ऑफ द फेवरेट आप सभी का। आप सभी लोग बोल रहे थे इस जगह को कवर करने के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं कवर कर रहा हूँ। और आज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि किस किस तरह का मोमोज है यहाँ पे, और डंपिंग मोमोज के अंदर क्या क्या मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग बोले थे कि आप इस जगह को कवर करो, तो आज फाइनली हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका जो लोकेशन है वो है लालपुर में। आप लालपुर चौक से सीधा आते हो, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा लालपुर चौक से आप सीधा मेन रोड के लिए आते हैं, आपको मिलता है यहाँ पर लालपुर थाना। आप लालपुर थाना देख रहे हो, लालपुर थाना के जस्ट अपोजिट में है ये डंपिंग मोमोज आप देख रहे हो। तो अभी इसके अंदर चलते हैं हम लोग, यहाँ अंदर का पूरा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, और बहुत सारा मोमोज हम लोग ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, बारिश का मौसम है और हम लोग आपके लिए वीडियो कर रहे हैं, और बारिश में मोमोज खाने का तो अलग ही मज़ा है। आप सभी को मोमोज पसंद है, जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं बहुत सारे मोमोज खाने के लिए बेताब होते हैं, तो उन सभी के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना लाइफ स्टाइल रांची। अभी अंदर मैं जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारा फूड, एंड आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम लोग कवर कर रहे हैं डंपिंग मोमोज, वो भी दिन में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग दिन में क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रात में करते, रात का एम्बियंस बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए रात में हम ज़्यादातर कवर करते हैं। इस जगह का मैं एड्रेस डाल दूंगा गूगल मैप का लोकेशन भी, तो आप आराम से आ सकते हो। सीधा अंदर चलते हो, आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाते हैं, और फूड तो हम लोग ट्राई करेंगे ही, तो आइए मेरे साथ। जैसे आप यहाँ पे इन करोगे ना, आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, यहीं पे सारा प्रिपरेशन होता है। ये प्लेस में सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है ना कि बहुत ही ओपन है, आप देख सकते हो कि आपका फूड बन रहा है, एंड यहाँ पे सारे अभी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं वो सब काम कर रहे हैं। इस साइड आपको यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक देखने को मिलेगा अच्छा खासा, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ का जो मेनू है उसका हम लोग डाल देंगे लिंक, आप डाउनलोड कर लेना, और प्रॉपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप अच्छे से देख लेना। एंड अभी देख सकते हो यहाँ पे भी फूड प्रिपेयर हो रहा है बहुत सारा। अभी क्या बना रहे भैया? वाइट सॉस। वाइट सॉस क्या? पास्ता मिल जाते हैं वाइट सॉस। ओके, तो अभी देख सकते हो वाइट सॉस पास्ता यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। अगर किचन की अगर बात करो देखते तो बहुत ही क्लीन है एंड हाइजीन है, ये सबसे अच्छी चीज़ है ना, कि आप जिस जगह पर जाते हो आप किचन बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में देख सकते हो कि किचन कितना क्लीन है। और यहाँ पे आपका फूड बनता है ऊपर बैठने का, तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं, हम लोग ऊपर ही बैठेंगे, तो ऊपर चलते हैं, बगल से ही रास्ता है, और आपको ऊपर का दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे बैठने का अच्छा खासा सीटिंग एरिया है। इस साइड भी आप देखो, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, एंड दिस वे इधर भी आप बैठ सकते हो। तो अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं और अपना पार्टी कर सकते हैं। हम लोग इस जगह पे फूड मंगवाएंगे और फूड ट्राई करेंगे। एम्बियंस आपको एक क्यूट सा देखने को मिलेगा, छोटा सा कैफ़े टाइप का, लेकिन यहाँ का फूड बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग अपना फूड मंगवाते हैं और ट्राई करते हैं, और आपको बताते हैं सारा कुछ, आपको बताएँगे, बस आप वीडियो में बने रहो, एवरीथिंग मेंशन करेंगे, प्राइस एंड टेस्ट एवरीथिंग। तो हम लोग फूड मंगवाते हैं और आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने सारा फूड मंगवा लिया है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज मंगवाया है, जैसा कि आपने बोला था कि यहाँ पे कवर करने के लिए, तो यहाँ पे वेज मोमोज, चिकन मोमोज सारा तो है ही यहाँ पे, तो हमने कुछ अलग मंगाया है। जो हमने पहला मंगवाया है वो हमारे पास कुरकुरे मोमो जो 135 रुपीज़ का। इसके अंदर जो इसके अंदर फिलिंग है वो है चिकन का, एंड उसके ऊपर आप जो देख रहे हो ना ये जो क्रंच आप देख रहे हो ये आपको मिलेगा कुरकुरे का, देख सकते हो आप कुछ इस तरह का। तो 135 रुपीज़ का ये है। दूसरा है हमारे पास चॉकलेट मोमो, ये है 45 रुपीज़ का, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, रांची में बहुत कम मिलने का आपको। ये है वेज वाई 85 रुपीज़ का। जो चौथा है हमारे पास वो है चिकन थोप का। इसका कॉम्बिनेशन आप देखो तो इसके अंदर आपको मिलेगा चिकन एंड एक अब इसके ऊपर आपको एक मोमोज भी देखने को मिलेगा, एक काइंड ऑफ आप एक सूप के फॉर्म में। ये 160 रुपीज़ का है। तो सारा हमने प्राइस आपको बताया, एंड कुछ इस तरह का फूड है, एंड आपको अगर वेज खाना है चिकन मोमो खाना है तो एज़ यूजुअल जो आप खाते हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। और इस वीडियो में हम लोग ये दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है, क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे थे कि कवर करो, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो डिफरेंट जो फूड है वो मंगवाते हैं, वो हम लोग ट्राई करते हैं। तो फटाफट ठंडा ना हो इससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं
कि टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट करते हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास कुरकुरे मोमोस। देखो आप, चिकन पूरा इसके अंदर भरा हुआ है एंड काफ़ी क्रंची होता है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो रांची में इस तरह का मोमोज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। काफ़ी क्रंची है, आप चिकन भी देखो तो चिकन काफ़ी है इसके अंदर। काफ़ी सॉलिड लग रहा है खाने में एंड प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है। तो कुरकुरे मोमो की बात करें तो आप जरूर ट्राई करो, अगर आपने बहुत सारे मोमोज खाए हैं ना एक, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हो। आपको, आप जब केएफसी का चिकन खाते हो ना, उसमें जो क्रंच होता है ना, वो चीज़ आपको थोड़ा सा उसका फील इसमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं वेज वाइबा। जितने भी गर्ल्स हैं ना, उनको बहुत पसंद होता है ये फूड, तो हमें भी पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन लोग पसंद करती हैं। मतलब पॉकेट फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। आप यहाँ पर पार्टी वगैरह भी कर सकते हो और काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। इसका देखो आप कुछ थिकनेस देखो, ये देखो कितना थिक थिक है एंड चिकन पूरा डाला हुआ है इसके अंदर, ये देखो। अगर आप सूप पीना पसंद करते हो ना और आप चाहते हो कि कुछ मोमोज का फीलिंग हो, देन आई थिंक लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा लग रहा है, मतलब जितने लोग भी सजेस्ट किए रहे जगह के लिए, काफ़ी अच्छा है प्लेस। ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा कुछ, शॉर्ट एंड सिंपल, मस्त लग रहा है। तो जो हमारा फोर्थ है वो है चॉकलेट मोमोज, 45 रुपीज़ का। आप जो चोको लावा खाते हो ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, उसका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज खाना पसंद है, आप वेज, नॉन वेज, चिकन वेज मोमो, पनीर मोमोज, ये सबसे अलग खाना है ना, तो आप लास्ट में चॉकलेट मोमो ट्राई कर सकते हो। 45 रुपीज़ का है, ये माउथ फ्रेशनर है, मतलब आपको मज़ा आएगा। तो हमने चार ट्राई किया और ओवरऑल मैं सारा फूड के बारे में बोलूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। आप ट्राई करो एक बार आके यहाँ पे, और जितने लोग सजेस्ट भी कर रहे थे, आपने अच्छा बताया, अच्छा अच्छा प्लेस है एंड फूड अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है, तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे सारा कुछ अच्छा लगा। अभी तक एक और है हमारे पास, वो अभी मंगवाएंगे, वो अब ट्राई करेंगे लास्ट में। मुझे चॉकलेट मोमो लास्ट में ट्राई कर सकते हो, एज अ डिज़र्ट्स भी आप खा सकते हो, आपको मज़ा आएगा। ये देखो आप, तो बेक्ड मोमो ट्राई करते हैं कि बेक्ड मोमो का टेस्ट कैसा है। बात करें बेक्ड मोमो की टेस्ट की, तो इसके अंदर ना आपको पूरा बेक किया हुआ है। पिज़्ज़ा जो आप खाते हो ना, पिज़्ज़ा का जो आप देखते हो, जो बनता है जैसे आप लेते हो ना, उस तरह का आपको एक देखने को मिलेगा। ये वेज है, इसके अंदर आपको पूरा वेजिटेबल का एक पंच मिलेगा इसके अंदर, और जब आप इसको खाओगे ना, तो आपको एकदम ना एक सॉफ्ट टच मिलेगा, जैसे मैंने अभी खाया, आपने देखा वीडियो में। तो ये भी मुझे अच्छा लगा खाकर। 160 रुपीज़ का है एंड कुछ अलग है, कुछ अलग आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा, मुझे सारा ओवरऑल फूड अच्छा लगा, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज खाएं। तो दोस्तों हमने सारा मोमोज ट्राई किया, यहाँ पे आपको वेज मोमो, चिकन मोमो सब देखने को मिलेगा, तो आप अगर वेज चिकन मोमो भी खाना चाहते हो तो आ सकते हो इस जगह पे। एंड हमें बहुत मज़ा आया, फूड ओवरऑल बहुत अच्छा लगा यार, मतलब ऐसा जगह पे ना विज़िट करना चाहिए आपको। एंड लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया था कि ये लालपुर से जब आप मेन रोड जाते हो, लालपुर थाना के अपोजिट में है। एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखकर।
एक बार आओ यहाँ पे, आप यहाँ का मोमोज ट्राई करो। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना लाइफ स्टाइल रांची। हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड ग्रो करवाएं हमें यूट्यूब पे एंड आए इस जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।